विंडोज़ मशीन है हमारे पास, जिसको कि हम हैक करेंगे एक लिनक्स मशीन के द्वारा। तो ये देखिए, आपको लिनक्स मशीन दिखाई दे रही है। इस लिनक्स मशीन के अंदर हम एक टूल ओपन करेंगे जिसको बोलते हैं बीफ। बीफ एक ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है और हम जो टारगेट्स होते हैं उनके ब्राउज़र्स को हुक करते हैं। तो ब्राउज़र को हुक करने के लिए हम एक हुक यूआरएल जनरेट करते हैं बीफ के द्वारा। बाकी हम ब्राउज़र को हुक करने के लिए मैन इन द मिडिल अटैक चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि MITMF यूज़ किया जा रहा है, ARP स्पूफ, गेटवे दिया गया, टारगेट का IP दिया गया। ये विंडोज़ मशीन का IP है और यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं जो जावा स्क्रिप्ट का URL है जो कि अभी बीफ ने जनरेट किया है, और एंटर कर देंगे तो हमारा MITMF स्टार्ट हो जाता है। MITMF, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार MITMF ये सब सर से बहुत ऊपर से जा रहा है, तो ये सिर्फ एक टीज़र वीडियो है जिसमें कैसे कौन सी चीज़ काम कर रही है वो नहीं बताया जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा टूल्स के रेफरेंसेस मिल रहे हैं कि हम किस तरह से एक अटैक मच्योर कर सकते हैं। हमने बीफ यूज़ किया जिससे कि हमने एक JS जावा स्क्रिप्ट का URL जनरेट करवाया, बेसिकली एक स्क्रिप्ट जनरेट करवाई जावा स्क्रिप्ट की जो कि हमने इंजेक्ट करनी थी MITMF से। अब हम क्या करते हैं, विंडोज़ मशीन पे गए, अपनी टारगेट मशीन पे, यहाँ पे कोई भी URL ने ओपन किया, लेट्स से bing.com हमने ओपन किया, राइट। तो द मोमेंट हमने bing.com ओपन किया, आप देखेंगे कि बीफ में हमें हमारा जो टारगेट मशीन है वो हुक हो गया है। तो 10.20.14.217 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि बहुत सारे मॉड्यूल्स कैटेगोरिकली इसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र है, एक्सप्लॉइट्स है, हम सोशल इंजीनियरिंग वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फेक नोटिफिकेशन बार वाला सब मॉड्यूल है जो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम फायरफॉक्स पे एक पॉपअप देंगे, फेक नोटिफिकेशन देंगे, क्रिटिकल अपडेट, क्लिक हियर टू इंस्टॉल। तो अब क्या इंस्टॉल करवाना है, तो हम यहाँ पे यूज़र को एक बैकडोर इंस्टॉल करवाएंगे जो कि हमने वेल जो फ्रेमवर्क है, इवेशन फ्रेमवर्क है, उसके द्वारा बना रखा है। तो जहाँ पे मैंने वेल होस्ट किया हुआ है, वेल के द्वारा जनरेट किया हुआ बैकडोर होस्ट किया है, उसको हम उस URL को, उस लोकेशन को यहाँ पे दे देते हैं। फाइल का नाम है update.exe। तो ये देखिए, हम ये दोनों ही चीज़ें काली में हो रही हैं और हमने दो कमांड्स दिए, एग्जीक्यूट कर दिया। ये होने के बाद आप देखेंगे कि MITMF में आप कुछ एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं, राइट। चूँकि मैन इन द मिडिल अटैक इस समय मच्योर हो रहा है, मैन इन द मिडिल अटैक मच्योर हो रहा था इसीलिए आप यहाँ पे इंजेक्ट कर पाए थे वो URL। अब हमने क्या किया, एक लिसनर चालू किया MSF कंसोल यूज़ करके। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक लिसनर चालू हो गया और टारगेट मशीन पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टॉल प्लगइन, क्रिटिकल अपडेट, क्लिक हियर टू इंस्टॉल। तो जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा अरे ये तो जेन्यून अपडेट है, राइट, ब्राउज़र में आया है, तो वो उसको सेव करता है। अब ये जो फाइल जो हमने ये बैकडोर बनाया है, ये इस तरह से बनाया है कि किसी को ज़्यादा सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि update.exe नाम है और एक फ्लैश इंस्टॉलर है ये, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है Adobe फ्लैश प्लेयर। तो यूज़र को लगेगा कि ठीक है फाइन, ये कोई फ्लैश प्लेयर का, शॉकवेव फ्लैश प्लेयर का अपडेट है जो कि Adobe कंपनी ने मोज़िला फायरफॉक्स के लिए रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे कुछ सस्पिशियस उसको लगेगा नहीं। और ये मीनवाइल Adobe फ्लैश प्लेयर आपका इंस्टॉल हो रहा है, हमारा बैकडोर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये कैसे हमने इस बैकडोर को जनरेट किया, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में सीखेंगे। बट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इट इज़ सो ईजी, यू नो, वंस यू आर मैन इन द मिडल यू कैन परफॉर्म मैनी थिंग्स। तो जैसे ही वहाँ पे देखिए फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल हुआ, आपको यहाँ पे मेटाप्लॉटलब में सेशन दिखाई दे गया। तो मैंने सेशन की लिस्ट करी तो हमें सेशन दिखाई दिया। अब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सेशन ID 1 से, तो मेटाप्लॉटलब सेशन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे आप सिस इन्फो टाइप करिए और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि यस, इट्स अ डेस्कटॉप मशीन, विंडोज 10 पड़ा हुआ है उस पर। हम यहाँ पे LSB कर सकते हैं। बेसिकली मीटअप सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय एग्जीक्यूट की जा सकती हैं।